प्रत्यावर्ती हाई कोर्ट धमाकेदार सुनवाई, ये क्या हुआ आज की सुनवाई में जानेंगे पूरी खबर आके कोर्ट रूम से। मैं राम सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। जैसा कि लंच बाद जज साहब ने कोर्ट को मतलब सुनवाई केस की सुनवाई करने की बात कही थी, उसी क्रम में बहुत अच्छा सुनवाई आज की डेट में जज साहब ने कुल 33 मिनट 10 सेकंड जबरदस्त सुनवाई हुई थी। और सबसे पहले सरकारी वकीलों को सुना था उन्होंने, उसके बाद में जो 6800 की लिस्ट के चयनित छात्र हैं उनकी तरफ से जो वकील थे उनको सुना गया था, एडवोकेट्स को। तो उन्होंने पहले सरकार की पूरी बात सुन ली और अब क्या कहा है उन्होंने बात करेंगे। जज साहब ने फिर 6800 को सही मानते हुए परसों के लिए मैटर लगा दिया और सरकार से प्रपोजल मांगा है कि इन्हें कैसे अंदर बाहर करेंगे। फिर से जज साहब ने बोला था कि मतलब कि आप 6800 को और ये नई चयन सूची आई है कि आज जो चयन उचित हो गए को अंदर बाहर कैसे करोगे, इस पर जवाब मांगा है सरकार से। तो सरकार फिर से यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। अब एक प्रपोजल मांगा है सरकार की तरफ से कि दोनों को अंदर रखें, दोनों को रखेंगे क्या, एक को बाहर निकालेंगे या फिर जो 6800 नियुक्ति है इनको भी देंगे, किस तरह सरकार अपना प्लान बना के कल परसों में काउंटर फाइल करती है, किस तरीके से बताती है कोर्ट को, जज साहब उस तरीके से फैसला लेंगे। बात कर लेते हैं कि जज साहब पूर्ण सहमत 6800 पर सरकार से प्रपोजल मांग लिए हैं, किस प्रकार 6800 की नियुक्ति करेंगे। प्रपोजल के साथ 28 की डेट लगा दी गई है, 6800 जनरल बाहर होगा या दोनों 6800 अंदर रहेंगे, इस पर निर्णय के साथ 28 सितंबर को सरकार का पूरा पक्ष यह साफ सुनेंगे। कि मेन चीज यह है कि 6800 को जनरल वाले पहले से हैं चयनित और उसके बाद में जो 6800 ओबीसी और एससी की जो लिस्ट आई हुई है इन दोनों को रखेंगे, या फिर कोई ऐसा नियम निकाल के लाएंगे या ऐसा तरीका निकाल के लाएंगे कि दोनों ही बाहर रहें अंदर हो जाएं, या फिर जनरल वालों को बाहर किया जाएगा ओबीसी वालों को अंदर रखा जाएगा। जो भी अपडेट रहेगी, अब जो सरकार किस तरीके से करती है, पूरा का पूरा खेल अब सरकार के ऊपर डिपेंड हो गया है, क्योंकि सरकार के बिहाफ पर ही जज साहब कोई फैसला लेंगे। वहीं पर बात करें तो सरकार को 6800 नियुक्ति देनी चाहती है, सरकार 6800 को नियुक्ति देना चाहती है, ये संदीप दीक्षित ने कहा था, जिसके लिए संदीप दीक्षित जी को किया जा रहा था लगातार, आयु टीम के समर्थन से भी वो पहुंचे और उनको जो भी था क्लियर मैटर हुआ, लेकिन संदीप सिंह ने भी अपनी पूरी कोशिश की कि 6800 को नियुक्ति दिलाने के लिए। अब विशेष बात वही निकल कर आई है कि कल, और दूसरी बात ये, कुछ विद्यार्थियों का मानना है ये कोर्ट में अगर एलपी मिश्रा जी मौजूद होते तो कल की डेट ही लग सकती थी, परसों की बजाय 27 की लग सकती थी, लेकिन एलपी मिश्रा जिस टाइम सुनवाई हुई थी उस टाइम मौजूद नहीं थे, तो थोड़ी डेट 28 को लग गई है। अब ज्यादा लंबी डेट नहीं है, बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। अब सरकार क्या प्रपोजल लेके आती है ये बहुत बड़ी बात होती है, सरकार चाहे दोनों को रख सकती है, बाहर करना है तो बाहर करेगी। तो बाकी विशेष जानकारी आपको ऑर्डर आने पर दी जाएगी, जैसे ही ऑर्डर अपलोड होता है कोर्ट का तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, क्या क्या निकल कर आया है, क्या क्या बहस हुई ऑर्डर में एकदम स्पष्ट रूप से आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पूरा बता देंगे जैसे ही ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर में क्या लिख के आया है इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप सभी लोगों को जानकारी होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।